होप यू ऑल आर वेल वेलकम टू राइट गाइडेंस एंड एम्बिशन माई नेम इज़ अंजलि सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट फोर का मैं आपका क्वेश्चन जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ इससे पहले मैं आपके साथ यूनिट वन टू और थ्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूंगी नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम नद अट टॉपिक आपका जो मैप का क्वेश्चन है टोटल टेन मार्क्स का आने वाला है एग्जैक्ट आपको ऐसा ही मैप आएगा फिजिकल मैप जिसके अंदर कोई भी बाउंड्री नहीं होगी यह आपका पंजाब का मैप है बिफोर इंडिपेंडेंस का जिसमें पाकिस्तान हिमाचल चंडीगढ़ हरियाणा ये सारा मिलाकर जो था ये पंजाब का एरिया था इंडिपेंडेंस तो आपको ऐसा ही मैप आने वाला है आपके पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल 14 हैं जो आपने मैप में फिल करनी है तो आपको अच्छे से इनकी प्लेसेस पता होनी चाहिए आपको एग्जाम के अंदर ना सिर्फ इन 14 में से सिक्स प्लेस आएंगी एग्जाम में मार्क करने के लिए हर एक प्लेस को मार्क करने का वन मार्क होगा उन्हीं सिक्स प्लेज में से आपको किसी दो प्लेस पे रिटर्न नोट्स लिखने होंगे तो इस तरीके से आपका जो टोटल मैप का क्वेश्चन होने वाला है वो टेन मार्क्स का होगा तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्लेसेज एग्जैक्ट है कहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर ननकाना साहिब ननकाना साहिब के बिल्कुल साइड में है लाहौर और लाहौर के बिल्कुल सामने है अमृतसर अमृतसर के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आप डॉट लगाओगे तो तरन तारण तरन तारण के साइड में जाओगे मॉन्ट कुमारी और मॉन्ट कुमारी के साइड में जाओगे लियालपुर तो ये थोड़ी सी कंजस्टेड प्लेसेस हैं एक ही जगह पर हैं बट इसका थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना अपने मैप पर देन उसके बाद आपका साइड में आएगा कदान कदान के नीचे जो है आपका जलंधर जलंधर के नीचे है लुधियाना लुधियाना के साइड में जाओगे अम्बाला देन अम्बाला के नीचे है कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नीचे जो है साउथ में दिल्ली सिर्फ सेंटर में दो चीजें रह गई हैं आपकी सेंटर में देखो फिरोजपुर और फिरोजपुर के नीचे है जैतो तो ये आपकी टोटल फोर्टीन प्लेसेस हैं जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए सिर्फ इसे देखकर ही प्रैक्टिस मत करना इसे एक बार मैप में ज़रूर फिल करके देखना क्योंकि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो चीज ना हो आपके साथ तो इसीलिए अच्छे से मैप की प्रैक्टिस कर लेना मैप के क्वेश्चन में नंबर लेना बहुत आसान है कोई भी बाहर से प्लेस जो है आपको नहीं आने वाली सिर्फ यही प्लेसेस आपको एग्ज़ाम में आएंगी और इन्हीं पे ही आपने शॉर्ट नोट लिखना है तो इसीलिए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि मैप का क्वेश्चन जो होता है सबसे ईजीएसट क्वेश्चन होता है इसमें नंबर आप इजिली ले सकते हो नाउ लेट्स डिस्कस द शॉर्ट नोट्स तो सबसे पहले आपका दिल्ली दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना सो दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है और रिवर यमुना के जो बैंक uh, है यानी किनारे पर वो सिचुएटेड है पांडवस कट आउट द जंगल एंड फाउंडेड द टाउन ऑफ इंद्रप्रस्थ तो पांडवस ने जो जंगल था ये पूरा एरिया उसको कट डाउन किया और उसकी जगह पर एक नया शहर जो है इंद्रप्रस्थ जो है वो स्टार्ट किया वो बनाया तो दिल्ली का पुराना नाम क्या था इंद्रप्रस्थ प्रस्त इलतुत्मिश वॉज अ फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली तो अल्तुतमिश पहले ऐसे मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने अपनी जो कैपिटल है उस टाइम पर लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट की थी कुतुबुद्दीन बिल्ट द फेमस कुतुब मीनार सो so, कुतुबुद्दीन एबाग ने यहाँ पर कुतुब मीनार जो था वो बनवाया आर्किटेक्चुरल एक्टिविटीज़ टच देयर हाईट ड्यूरिंग द डेज ऑफ मुगल एम्पायर शाहजहाँ सो आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ यानी जितने भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बने हैं दिल्ली में वो ज़्यादातर मुग़ल एम्पायर के बनाए हुए हैं और वो सबसे ज़्यादा हाइट पर तब पहुँचते हैं जब यहाँ पर रूलर होते हैं शाहजहाँ तो शाहजहाँ ने बहुत सारी फेमस चीज़ें जो हैं वो उस टाइम पर इंडिया में बनाई थी जैसे कि रेड फोर्ट जामा मस्जिद उसके अलावा दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी प्रेजेंट हैं पुराना किला ज़ू अप्पू घर जंतर मंतर, राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट दिल्ली यूनिवर्सिटी बिरला मंदिर एंड गुरुद्वारा शीशगंज सारी हिस्टोरिकल फेमस चीज़ें जो है दिल्ली में बनाई गई हैं डिफरेंट डेनेसिटीज़ और एम्पायर्स द्वारा नेक्स्ट की प्लेस है फिरोजपुर फिरोजपुर इज़ अ सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज रिवर जो फिरोजपुर शहर है वो सतलुज रिवर के किनारे पर सिचुएटेड है साउथ वेस्ट ऑफ द अमृतसर और अमृतसर के साउथ वेस्ट में है ये प्लेस फिरोजपुर इज़ बिलीव टू हैव बीन फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक ऐसा कहा जाता है कि फिरोजपुर को फिरोज शाह तुगलक जो है उन्होंने बनवाया है सेकंड बैटल बिटवीन द सिख एंड द इंग्लिश वॉज फोर्ट एट फिरोजपुर जो सेकेंड बैटल हुई थी एंगलो और सिख के बीच में फिरोजपुर में ही हुई थी एंड द फिरोजपुर इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मार्थियर्स यानी शहीदों का जो लैंड है वो फिरोजपुर को कहा जाता है यानी बहुत सारे यहाँ पर जो रूलर्स uh, हैं वो यहाँ पे शहीद हुए थे बैटल्स में नेक्स्ट आपकी प्लेस है कुरुक्षेत्र इट इज़ सिचुएटेड इन हरियाणा कुरुक्षेत्र वाला एरिया हरियाणा की स्टेट में आता है एट प्रेजेंट इट इज़ फोर्टी टू माइल्स फ्राम अम्बाला अम्बाला से ये फोर्टी टू माइल्स दूर है अ टेरिबल वॉर बिटवीन द कौरव्स एंड द पांडव्स नोन एज महाभारत टुक प्लेस हेयर विच लास्टेड 18 डेज जो महाभारत का युद्ध हुआ है कौरव और पांडवों के बीच में वो कुरुक्षेत्र में ही हुआ था जो कि 18 डेज तक चला था इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ धर्म क्षेत्र इसको धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है पांडव केम आउट विक्टोरियस और जब कौरव और पांडवों की लड़ाई होती है तो कौन उसमें जीतते हैं पांडव जीतते हैं एंड लॉर्ड कृष्णा डिलीवर्ड द ग्रेट एडवाइस द गीता टू अर्जुन और यहीं पर लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को जो है भगवत गीता का जो ज्ञान है जो नॉलेज है जो एडवाइस दी थी किस तरीके से उन्होंने जो है कौरवों से अपनी जो लड़ाई है वो जीतनी है वो इसी प्लेस पर उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया था आपका प्लेस है लुधियाना लुधियाना इज़ वन ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड सिटीज ऑफ़ पंजाब एंड स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज लुधियाना जो है पंजाब के एक सेंटर में लोकेटेड एक शहर है जो कि रिवर सतलुज के किनारे जो है सिचुएटेड है द सिटी ऑफ लुधियाना वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ फोर्टीन तो इस शहर को जो बनाया गया था फाउंड किया था वो फोर्टीन में किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिकंदर लोधी जब सिकंदर लोधी जो है यहाँ पर रूलर थे लुधियाना इज़ अ मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया का मेजर जो इंडस्ट्रियल सेंटर है जहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्शन का काम चलता है वो लुधियाना ही है इज़ रेफर्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड का एक फेमस शहर है जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी होती हैं तो इसीलिए कंपेयर करके बोला है इंडिया का मैनचेस्टर क्या है जो फेमस है जहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं वो लुधियाना है इट इज़ अ मेजर टेक्सटाइल सेंटर बहुत सारे जो कॉटन रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहीं पर सिचुएटेड है इट एक्सपोर्ट वुलन गार्मेंट्स मशीन टूल्स एंड मोटर पार्ट्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड यहीं से पूरी दुनिया को वुलन गार्मेंट्स मशीन के टूल्स मोटर पार्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं नेक्स्ट आपकी प्लेस है अमृतसर अमृतसर इज अ सिटी सिचुएटेड बिटवीन द रावी एंड ब्यास अमृतसर शहर जो है रावी और ब्यास रिवर के बीच में सिचुएटेड है इट इज़ अ स्परिचुअल सेंटर ऑफ द सिख रिलिजन सिख रिलिजन का जो स्परिचुअल सेंटर है मीन्स रिलेटेड टू रिलिजन यही एक मेजर शहर माना जाता है होम टू हरमंदर साहिब यहीं पे हरमंदर साहिब जिसे हम गोल्डन टेंपल कहते हैं वो यहाँ पे सिचुएटेड है अफ़ग़ान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली प्लंडर्ड द सिटी ऑफ द अमृतसर एक अफगान के इन्वेडर थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया और अमृतसर शहर को जो है काफ़ी हद तक तबाह कर दिया था डिमोलिश था हरिमंदर साहब हरमंदर साहब को भी तुड़वाया था लेटर ऑन महाराजा रंजीत सिंह कॉन्क्वेस्ट अमृतसर और बाद में जाकर महाराजा रंजीत सिंह ने अमृत शहर को जीता था एंड देन गेट रीबिल्ड द हरमंदर साहब और बाद में जाकर हरिमंदर साहब को दोबारा से बनवाया था जलियावाला बाग मेस्करे मेस्क्रेट प्लेस थर्टीन अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन एटी जलियावाला बाग हत्याकांड जिसमें जनरल डायर ने इनोसेंट लोगों पर गोलियां चलवाई थी थर्टीन अप्रैल को वो इंसिडेंट भी अमृतसर में ही हुआ था नेक्स्ट आपका प्लेस है लाहौर लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी जो लाहौर शहर है वो रावी नदी के किनारे पर सिचुएटेड है लाहौर वॉज अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था एक टाइम पर मुगल एम्पायर का इन 1799 नाइनटी एडी महाराजा रंजीत सिंह कॉन्क्रीट इट 1799 A.D. में महाराजा रंजीत सिंह ने मुगलों के साथ लड़ाई कर कर इस शहर पर अपना कब्जा जो है वो कायम किया था एंड ब्रॉट इट अंडर हिज कंट्रोल और पूरा जो कंट्रोल है उस टाइम पर महाराजा रंजीत सिंह के पास आ गया था इस शहर का आफ्टर मेड लाहौर हिज कैपिटल ही वॉज एबल टू एक्सटेंड हिज किंगडम जैसे ही उन्होंने लाहौर पर कब्ज़ा किया देन उसके बाद जो बाकी के एरियाज़ हैं महाराजा रंजीत सिंह ने वो कैप्चर करने शुरू कर दिए थे अप टू द खाइबर पास खाइबर पास जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच का एक पास है जहाँ से क्रॉस कर कर लोग जो है अफ़ग़ानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफ़ग़ानिस्तान जाते हैं तो यानी कि लाहौर से लेकर तक के अफगानिस्तान कंट्री के पार्ट तक का काफ़ी एरिया महाराजा रंजीत सिंह ने कैप्चर कर लिया था और ये कैसे हो पाया था जब उन्होंने लाहौर के एरिया को फर्स्ट कैप्चर किया आफ्टर हिज डेथ ब्रिटिश ऑक्यूपाइड लाहौर और जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है ब्रिटिश दोबारा से लाहौर शहर को अपना कब्जे में ले लेते हैं फास्ट प्लेस है आपकी ननकाना साहिब ननकाना साहिब इज नेम्ड आफ्टर गुरु नानक तो गुरु नानक देव जी जो फाउंडर है सिखिज्म धर्म के उनके ही नाम पर ननकाना साहिब जो है शहर उसका नाम रखा गया है इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो ननकाना साहिब में ही हुआ था इट इज़ इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान तो ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है एट प्रेजेंट ड्यूरिंग द अकाली मूवमेंट फॉर रिफॉर्मिंग गुरुद्वारा मैनी अकाली प्रोटेस्टर्स वर शूट हेयर लीडिंग टू द ननकाना मस्करे सो यहाँ पर अकाली मूवमेंट हुई थी जिसमें गुरुद्वारा में जो भी सिस्टम चल रहा था उस चीज़ को रिफॉर्म करने के लिए उसमें चेंजेस लाने के लिए अकाली प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट रिवोल्ट किए जिसके चलते सरकार ने उनपे गोलियां चलाई थी तो ननकाना हत्याकांड जो है ननकाना साहिब में हुआ था थाउजेंड्स ऑफ सिख रीच्ड गुरुद्वारा नेक्स्ट डे टू टेक ओवर द गुरुद्वारा और उसी के बाद बहुत सारे जो सिख ऑर्गेनाइजेशन है वो अगले ही दिन जो है गुरुद्वारा पहुंचते हैं वहां पर सो so दैट वो उसका जो uh, जो भी मेन रूल्स रेगुलेशन है वो बना सकें प्रॉपरली कीज ऑफ द गुरुद्वारा वर हैंडेड ओवर टू द एस जी पी सी रिप्रेजेंटेटिव बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सो यहाँ पे जो नेक्स्ट डे है जितनी भी गुरुद्वारा ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर जो है एक आ, जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आज भी इंडिया में वर्क कर रहे हैं और यही मेन रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं रिलेटेड टू द गुरुद्वारा ताकि यूनिफॉर्मली सारे रूल्स रेगुलेशन जो है फॉलो किए जा सके और उस टाइम पर ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने ये जो कमेटी है वो बनाई थी ताकि जो और रिवोल्ट्स से हैं वो उस एरिया में ना हों अब यहाँ पर आपको जो टोटल फोर्टीन प्लेसेस हैं उनके शॉर्ट नोट्स तैयार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको वहाँ पर सिर्फ किसी दो प्लेसेस पे ही शॉर्ट नोट लिखना होगा तो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं अगर आप इन प्लेसेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे देन इन्हीं में से डेफ़िनेटली आपको हंड्रेड परसेंट मैं गारंटी दे रही हूँ कि इसी में से आपको जो दो प्लेस है कोई आने वाले हैं आपको टोटल फोर्टीन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है फ़िल करनी आपको फोटीन की फोर्टीन आनी चाहिए बट जो प्लेस आपने उस पर लिखनी है वो सिर्फ दो ही हैं जिसके लिए आपको ऑप्शन वहाँ एग्जाम में मिल जाएगा सो so, इस तरीके से आपका टाइम भी बच जाएगा आप इजीली अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस प्लीज कमेंट बिलो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम ऑल द बेस्ट अचीवर्स हैव अ नाइस डे